हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन है, और भी सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 65 तक क्वेश्चन हो गए थे, 66 क्वेश्चन लेते हैं। कर्मचारी को मिलने वाली क्षतिपूर्ति प्रतिफल है। कंपनसेशन इज रिवार्ड टू द एम्प्लॉय फॉर देयर परफॉर्मेंस वर्क कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन स्मार्टनेस। जो कर्मचारी को क्षतिपूर्ति दी जाती है, कंपनसेशन दिया जाता है, वो किस चीज़ का रिवार्ड होता है? प्रदर्शन का, कार्य का, संगठन में योगदान का, बुद्धिमानी का? तो वो हो जाता है संगठन में योगदान का रिवार्ड, कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति का उद्देश्य नहीं है, विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनसेशन। टू एस्टैब्लिश इक्विटी, टू इम्प्रूव एम्प्लॉय एफिशिएंसी, टू कंट्रोल कॉस्ट, टू कंप्लाई विद इलीगल रेगुलेशन। तो क्षतिपूर्ति का उद्देश्य क्या नहीं होगा? इक्विटी स्थापित करना, कर्मचारी दक्षता में सुधार करना, लागत को नियंत्रित करना, अवैध विनियमन का पालन करना, तो समानता लाना भी होगा, कर्मचारी की जो भी एम्प्लॉय है उसकी एफिशिएंसी को भी सुधारना होगा और लागतों को, कॉस्ट को भी कंट्रोल में रखना होगा। क्या नहीं होगा? वो हो जाएगा अवैध नियमों का पालन करना। नॉर्मल सी बात है कि कोई भी जो भी अवैध नियम है, लीगल है, रेगुलेशन है, उनको फॉलो नहीं किया जाएगा कंपनसेशन के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति निर्णय लेने के लिए कौन उत्तरदायी है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेशन डिसीजन मेकिंग? एचआर यूनिट एंड मैनेजर, वर्कर, क्लर्क, डायरेक्टर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो क्षतिपूर्ति कंपनसेशन होता है उसका मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उसके डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन लेने के लिए कि कितना दिया जाएगा कंपनसेशन, कौन कौन सी योजनाएँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दी जाएंगी वर्कर्स को। तो कौन सी इकाई इसके लिए जिम्मेदार होती है? मानव संसाधन इकाई और प्रबंधक, कार्यकर्ता, लिपिक या फिर संचालक? तो वो हो जाएगा एचआर यूनिट एंड मैनेजर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति प्रक्रिया प्रबंधन का पहला चरण है। फर्स्ट स्टेप ऑफ कंपनसेशन प्रोसेस मैनेजमेंट इज डेवलपिंग ऑफ पे स्ट्रक्चर, वैल्यूएशन ऑफ जॉब, प्राइसिंग ऑफ जॉब, एनालिसिस ऑफ जॉब। तो यहाँ पर जो क्षतिपूर्ति की एक एनालिसिस प्रोसेस होती है, एक कंपनसेशन प्रोसेस होती है, उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? वेतन संरचना का विकास करना, जॉब का मूल्यांकन करना, जॉब का मूल्य निर्धारण, जॉब का विश्लेषण। तो यहाँ पर जो पहला चरण हो जाएगा उसमें किया जाता है एनालाइजिंग ऑफ जॉब, यानी कि जो जॉब है उसका विश्लेषण किया जाएगा। उसमें वही दो चीज़ें आ जाती हैं, डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एनालाइजिंग ऑफ जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति योजना में कौन सा आकस्मिक आंतरिक कारक नहीं है? विच वन इज़ नॉट द इंटरनल कंटिजेंट फैक्टर इन कंपनसेशन प्लान? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, ट्रेड यूनियन, नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ पर्सोनल। तो यहाँ पर जो क्षतिपूर्ति योजना का दो तरह के फैक्टर हो जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, पहले भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सा इंटरनल नहीं है, तो वो हो जाएगा ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, ना कि इंटरनल। बाकी जो आपका संगठन की रणनीति, कार्यों की प्रकृति और कर्मियों की प्रकृति, ये तीनों क्या हो जाएंगे? आंतरिक कारक होंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों को एक निश्चित समय अवधि के लिए नौकरी से अनिच्छुक रूप से अलग करना क्या कहा जाता है? एम्प्लॉय इन्वॉलेंट्री सेपरेशन फ्रॉम ए जॉब फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड नोन एज मर्जर्स, एक्विजिशंस, ले ऑफ, नन। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि कुछ एक निश्चित समय अवधि के लिए जब नौकरी पर से हटा दिया जाता है कुछ कर्मचारियों को, तो वो क्या कहलाता है? तो वो हो जाता है ले ऑफ, यानी कि टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी अपने वर्क फोर्स का साइज जो होता है रिड्यूस करना चाह रही होती है, यानी कि जितने भी उसके पास कर्मचारी हैं वो उतनों की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी कारण से हो सकता है मंदी की स्थिति हो या कोई भी ऐसी वजह हो सकती है इसकी वजह से क्या हो, वो छटनी करना चाह रही कुछ लोगों की। तो वहाँ पर अस्थायी रूप से क्या करती है, उन लोगों को काम से हटा देती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ले ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य मूल्यांकन एक डैश प्रक्रिया है, जॉब एवेल्युएशन इज ए डैश प्रोसेस, वन टाइम प्रोसेस, एयरली प्रोसेस, कंटिन्यूअस, रैंडम। तो जो कार्य मूल्यांकन जॉब एवेल्युएशन होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, एक बार की ना होगी, ना वार्षिक होगी, ना ही यादृच्छिक होगी, निरंतर चलने वाली होगी, कंटिन्यूअस होगी। लगातार क्या होता है, एवेल्युएशन जरूरी हो जाता है जिससे कि सही ढंग से सही कार्य हो सके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कर्मचारी क्षतिपूर्ति को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉय कंपनसेशन? लेबर मार्केट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, लेबर यूनियंस, ऑल ऑफ द अबव। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति को ये सारे ही कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, लेबर मार्केट भी, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी और लेबर यूनियंस भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपने सुना होगा श्रम संघों के बारे में और इस तरह लेबर मार्केट भी होती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगा, जीवन यापन की लागत है कि कितना उनको क्षतिपूर्ति दी जा रही हो, क्या वो क्षतिपूर्ति उनके जीवन को जीने के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए पूरी है या नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी क्षतिपूर्ति योजना होनी चाहिए, एनी कंपनसेशन प्लान मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, वर्केबल, एक्सेप्टेबल, रीजनेबल, वर्केबल, एक्सेप्टेबल, अंडरस्टैंडेबल, रीजनेबल, एक्सेप्टेबल, अंडरस्टैंडेबल, वर्केबल, कंपनसेबल। तो यहाँ पर क्वेश्चन से पूछ रहा है कि क्षतिपूर्ति योजना किस तरह से होनी चाहिए, तो समझने योग्य भी होनी चाहिए, व्यवहारिक हो और स्वीकार्य हो, यानी कि समझ सके उसे आसानी से और वो एक्चुअली इंप्लीमेंट की जा सके व्यवहारिक रूप से और उसे सभी एक्सेप्ट कर सकें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्वीकार नहीं की जाएगी श्रम संघों के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा, तभी क्या होता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, जिसका परिणाम क्या निकलता है, हड़ताल होना, तालाबंदी होना, काम बंद हो जाना, ये सारे परिणाम निकल के आते हैं। इसलिए वो समझने योग्य होनी चाहिए, स्वीकार करने योग्य होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शन मूल्यांकन की कौन सी विधि है, विच इज द मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, मैन टू मैन कंपैरिजन मेथड, चेकलिस्ट मेथड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर प्रदर्शन मूल्यांकन की कौन सी विधि है, सीधे रैंकिंग विधि, मैन टू मैन तुलना विधि, सूची जांच विधि या ये सभी। तो यहाँ पर ये जितनी भी विधियाँ दे रखी हैं तीनों ही क्या हो जाएंगी, निष्पादन मूल्यांकन, प्रदर्शन मूल्यांकन की हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी और वेतन प्रशासन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, टू एस्टैब्लिश टू फेयर एंड इक्विटेबल कंपनसेशन, टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट पर्सोनल, टू इम्प्रूव मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय, ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि मजदूरों वेतन प्रशासन का उद्देश्य कौन सा है, निष्पक्ष और न्याय संगत मुआवजे की स्थापना करना, योग्य और सक्षम कर्मियों को आकर्षित करना, कर्मचारियों के प्रेरणा मनोबल में सुधार करना या फिर ये सभी। तो मजदूरी और वेतन प्रशासन के तीनों ही क्या है, उद्देश्य हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि न्याय संगत मुआवजे यानी कि क्षतिपूर्ति दी जाए इस तरह की, जो निष्पक्ष भी हो और न्याय संगत भी हो, यानी कि जितना कार्य वो करे उतनी उनको क्षतिपूर्ति भी मिले, योग्य और सक्षम कर्मियों को आकर्षित किया जा सके इस तरह का, हमारी जो भी हम वेतन दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, वो इस तरह की हो कि जो योग्य हैं, कर्मचारी क्वालिफाइड हैं, वो आकर्षित हो सके और उनकी प्रेरणा भी बनी रहे, साथ ही क्या हो, उनका मनोबल रहे कि वो अच्छे से अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हों। जो प्रेरणात्मक योजनाएं होती हैं जिसमें क्या होगा कि जिसमें कि इंसेंटिव दिए जाते हैं, ब्याज दी जाती है, आपने पढ़ा होगा मजदूरी भुगतान पद्धतियों के बारे में, तो इसीलिए होता है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम करने के लिए क्या हो, प्रोत्साहित हो सके, मोटिवेट हो सके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास से संबंधित है, एचआरडी इज रिलेटेड टू वर्क इंप्रूवमेंट, एरर, प्रॉफिट, प्राइसिंग। तो यहाँ पर जो मानव संसाधन विकास है किससे संबंधित होगा, विकास की बात हो रही है, सीधे सीधे क्या आ जाएगा, इंप्रूवमेंट आ जाएगा, विकास तभी हो सकेगा जबकि हम इंप्रूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा वर्क इंप्रूवमेंट, कार्य सुधार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी के 360 डिग्री मूल्यांकन में उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, इन 360 डिग्री ऑफ अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉय हिज परफॉर्मेंस इज रेटेड बाय सुपीरियर्स ओनली, सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट, सुपीरियर्स एंड पीयर्स, सुपीरियर्स, पीयर्स एंड सबॉर्डिनेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पूछ रहा है कि जो कर्मचारी का 360 डिग्री मूल्यांकन होता है, एक विधि आपकी ये भी अप्रेजल की, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसे कौन करेगा, केवल वरिष्ठ, वरिष्ठ अधीनस्थ, वरिष्ठ और सहकर्मी, वरिष्ठ सहकर्मी और अधीनस्थ। तो किया जाता है वरिष्ठ सहकर्मी और अधीनस्थ के द्वारा। तो 360 डिग्री अप्रेजल में क्या होता है, ये मूल्यांकन और समीक्षा की एक तकनीकी होती है जिसमें कि जो भी कर्मचारी होगा वो अपने अधीनस्थों से, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, अपने साथ काम करने वाले लोगों से क्या करता है, प्रतिक्रिया लेता है। ये एक फीडबैक टूल की तरह काम करता है जिससे कि जो भी उनमें कमियां हैं या जो भी उनकी अच्छाइयां हैं उसके बारे में उनको जानकारी मिले और उसमें वो सुधार कर सकें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेतन प्रणाली में जहाँ कर्मचारी को उत्पादन की परवाह किए बिना एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है उसे कहा जाता है, इन ए विच सिस्टम वेयर एम्प्लॉय इज पेड ए फिक्स्ड अमाउंट इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, टाइम कम बोनस सिस्टम, पीस कम बोनस सिस्टम, पीस कम बोनस सिस्टम। तो वो प्रणाली जहाँ पर
आउटपुट से मतलब नहीं होता है, सिर्फ जो है कर्मचारी को उसकी एक निश्चित राशि का भुगतान पेमेंट किया जाता है। तो वो कौन सी प्रणाली हो जाएगी? समय दर प्रणाली, कार्य दर प्रणाली, समय से बोनस प्रणाली, कार्य से बोनस प्रणाली। तो वो हो जाती है टाइम रेट सिस्टम, यानी कि समय दर प्रणाली। इसमें क्या होगा कि जो भी उसकी पर डे की इनकम जो है डिसाइड होगी कि 500 रुपये पर डे पर है या 400 रुपये पर डे पर है, तो वो उसको डेली दे दिया जाएगा, भले ही काम कितना भी क्यों ना हुआ हो, उससे मतलब नहीं होता। जो समय दर पद्धति होती है उसमें आपका समय के अनुसार मजदूरी डिसाइड होती है कि 8 घंटे काम किया है, 10 घंटे काम किया है, तो इतना ही उसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रणाली में सबसे बड़ा नुकसान यही होता है इसकी, या डिमेरिट कह लीजिए, कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति हो कर्मचारी होता है प्रोत्साहित नहीं होता, उसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि उसे पता है 8 घंटे में जितना भी काम कर ले उसको मजदूरी उतनी ही मिलनी है। इस वजह से क्या होता है, उसको प्रेरणा नहीं मिलती और ज़्यादा अच्छा काम करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूरी प्रणाली में जहां कर्मचारी को आउटपुट के अनुसार भुगतान किया जाता है उसे कहा जाता है इन ए वेज सिस्टम वेयर एम्प्लॉयर इज पेड अकॉर्डिंग टू आउटपुट इज कॉल्ड टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, टाइम कम बोनस सिस्टम, पीस कम बोनस सिस्टम। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आउटपुट के अनुसार, उसमें क्या था, आउटपुट पे हम ध्यान नहीं देते थे, यहाँ पर हम आउटपुट के अनुसार ही भुगतान करेंगे, तो वो कौन सी प्रणाली हो जाएगी? तो वो हो जाती है कार्य दर प्रणाली, पीस रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि पर पीस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, जैसे कोई चेयर का कारखाना है, वहाँ पर चेयर बनाई जा रही, तो एक चेयर का हमने मूल्य डिसाइड कर दिया कि 100 रुपये है या 200 रुपये, एक चेयर बनाने पर आपको 200 रुपये मिलेंगे। तो वही आप अगर जितनी ज़्यादा चेयर आप एक दिन में बना लेंगे, जो भी मजदूर है एक दिन में जितनी ज़्यादा चेयर बना लेगा उतने ही ज़्यादा उसको पैसे भी मिलेंगे। तो यहाँ पर हो जाता है कार्य दर प्रणाली, पीस रेट सिस्टम। ये क्या हो जाएगी, प्रोत्साहित करती है लोगों को कार्य अच्छे से अच्छा करने, क्योंकि जितना ज़्यादा वो कार्य करेंगे उतना ही उनको उसका पैसा मिलेगा, इसलिए वो प्रोत्साहित होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।